नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर झारखंड में हैं। कल उन्होंने चाईबासा में जनसभा की, इसके बाद रांची में रोड शो किया। आज गुमला और सिसई में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान विपक्ष को निशाना साधने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हटे। उन्होंने आदिवासी का मुद्दा उठाया, साथ ही पलामू के लिए एक शब्द कहा। पलामू के लिए उन्होंने कहा कि ये पिछड़ा जिला है जहां पर कोई भी ऑफिसर आना नहीं चाहता था, लेकिन बीजेपी ने इसे इतना विकसित किया है कि अब हर कोई पलामू जिला को जानता है और यहां अफसर भी आना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन का भी नाम लिया, कहा कि हेमंत सोरेन अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो वो जेल में जाएंगे ही, अगर कोई भी अपने घर में चोरी करता है तो उसकी सजा तो उसे मिल नहीं चाहिए। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और इसी पर हमारे साथ स्टेट हेड अरविंद कुमार जुड़ चुके हैं। अरविंद, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो दिवसीय दौरा है, बीजेपी प्रत्याशियों को एकजुट करने की कोशिश तो है ही, साथ ही जनता को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए नए बातों से, कुछ ऐसे शब्द जो शायद जनता को आकर्षित करे, इस वजह से वो झारखंड में है। और क्या लगता है कि आदिवासी को लेकर जिस तरह से साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हर जिले की बात कर रहे हैं और जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, इसका फायदा क्या मिल सकता है? प्रिया, मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा, दो दिवसीय दौरा, निश्चित तौर पर लोगों के मानस पटल पर अमित छाप छोड़ा है। झारखंड, भले ही उन्होंने झारखंड के कुछ ही लोकसभा क्षेत्र में अपना चुनावी सभा या तो रोड शो किया है, लेकिन इसका असर पूरे झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर देखने को मिलेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने रांची में रोड शो, मेगा रोड शो किया और जिस तरह से अपार समर्थन जाता है कि हुजूम दिखा सड़कों पर, ना सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता बल्कि जो आम जनता है वे भी एक झलक पाने को आतुर दिखे, तो नव दिशा टोलते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। जितनी भी सभाएं उन्होंने की, चाहे चाईबासा में की चाहे सिसई में, तो उन्होंने साफ शब्दों में जो झारखंड के स्थानीय मुद्दे है, जो झारखंड के लोगों को छू सकता है जेहन को, इन तमाम चीजों को छूने का प्रयास उन्होंने किया है। चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा की धरती के मिट्टी को नमन करने की बात की हो, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह सौभाग्यशाली प्रधानमंत्री है कि उन्हें यह मौका मिला है। ये तमाम चीजें जो झारखंड के एक एक जनता को छू सके, वो तमाम पहलुओं को छूने काम किया। इसके अलावा उन्होंने फिर एक बार ओबीसी एससी एसटी के जो आरक्षण को काटकर कांग्रेस अल्पसंख्यकों को देने की बात कही है, उसे भी मुद्दा बनाया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ओबीसी एसटी एससी एसटी का जो आरक्षण है कोटा, वो काट कर मुसलमानों को, खास करके अल्पसंख्यक मुसलमानों को देने की बात कही है। इस बात को भी उन्होंने छूने का प्रयास किया, क्योंकि झारखंड में ओबीसी एससी एसटी की बहुत आयत है, यहाँ पर उनकी एक बड़ी आबादी है, तो वे तमाम पहलुओं को टच किए, चाहे आदिवासियों के दिल में अपनी बात पहुंचाने की बात हो या आम मतदाताओं के मानस पटल पर अपनी छाप छोड़ने की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में हर पहलुओं को छुआ है। अब ये देखना होगा कि उनके द्वारा कही गई बातों को, उनके द्वारा जो बातें कही गई उसका आम मतदाताओं के जहन पर कितना असर पड़ता है। बिल्कुल अरविंद, बिरसा मुंडा की धरती है और यहाँ आते ही उन्होंने कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक तो खेला है। बिरसा मुंडा की धरती को नमन करते हुए यह भी ऐलान कर दिया गया कि 150वीं जयंती देश भर में मनाई जाएगी। आदिवासियों को एकजुट करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पीछे नहीं हट रहे हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासियों के वोट बीजेपी के खाते में ही आए। आदिवासियों के वोट के भरोसे कहा जा सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा है और उससे गठबंधन की कांग्रेस सरकार है, और वो किसी कीमत पर आदिवासी वोटों का बिखराव या विभाजन नहीं चाहती है। यही कारण है कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मतों को भी अपने ओर ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं और ये तमाम बातों को रख रहे हैं कि किस तरह से आदिवासियों के हित की बात करने वाली पार्टी नहीं बल्कि भाजपा जो कहती है वो करती है। इस बात का वो उदाहरण भी दे रहे हैं कि आज देश की राष्ट्रपति जो है वो आदिवासी समुदाय की है, तो वे बताना चाहते हैं कि भाजपा कितना बड़ा आदिवासियों की हितैषी है। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि जिस तरह से आज आदिवासी गांव जो आज से पहले उपेक्षित थे, जहां पर विकास की किरणें नहीं पहुंचती थी, वहां पर या कहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, बिजली कहे, सड़क कहे, पानी कहे, ये तमाम चीजों को पहुंचाने का काम किया गया है। आज भी जो गरीबों को अनाज मिल रहा है हर महीने, वो उसमें भी आदिवासी समुदाय की बहुत बड़ी भागीदारी है। ये तमाम चीजों को भी उन्होंने छुआ है, एक एक मतदाताओं के मानस पटल को
पर अपनी छाट छोड़ने का प्रयास किया उन्होंने। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आदिवासियों की हित की रक्षा भाजपा और भाजपा के समर्थक दल ही कर सकते हैं। यही कारण है कि झारखंड के 14 में से 13 जिसे भाजपा के उम्मीदवार है और गठबंधन के तहत गिरिडीह लोकसभा सीट आईसू के पास है और उन्होंने 14 के 14 सीटों पर जीत का दावा किया है। जिस तरह से उनके कार्यक्रमों में चाहे सिसई की हो, चाहे बासा की हो या अन्य पलामू की हो, वो जिस तरह से हुजूम और लोगों का सैलाब उमड़ा है भीषण गर्मी में प्रिया, तो कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा भाजपा के या तो कहें एनडीए के जो प्रत्याशी है झारखंड में 14 लोकसभा सीट में, उसके लिए कोरामिन का काम करेगा। जी बिल्कुल प्रिया। अरविंद, लोहरदगा की बात कर ले तो लोहरदगा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के बाद ऐसा हो सकता है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला हो वो बीजेपी के खाते में जो सीटें थी वो सीटें बरकरार रहे, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले होने से सीटों की हेरफेर में बहुत ज्यादा बदलाव की आशंका जताई जा रही थी। प्रिया सवाल दोहराएंगे? जी अरविंद, मैंने कहा कि लोहरदगा में जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला अभी देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री आगमन के बाद जो सीटें जहां जितनी थी यानी बीजेपी को जो वोट पड़ना था, वो हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन अगर नहीं होती तो वो बिखराव हो सकता था। त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पधारे हैं तो इस बिखराव की आशंका जो है वो कम हो सकती है। देखिए प्रिया, निश्चित तौर पर लोहरदगा सीट पर कहा जा सकता है कि तो सभी लोगों ने शक्ति झोंक रखी है और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखा जा रहा है, लेकिन इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री की सभा कराई गई यहाँ पर, ताकि जो भरम की स्थिति में या तो दुविधा में मतदाता है वे पूरी तरह से एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में मतदान करे। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के की सभा के बाद लोहरदगा का समीकरण बदलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि मैं आप प्रिया की और जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री का जो 2 दिवसीय दौरा झारखंड में हुआ और जो सैलाब उमड़ा और जो हवा बनता हुआ दिखा, इसी के कारण 7 मई को राहुल गांधी का, कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उनकी सभा झारखंड में कराने की बात की जा रही है। उनकी कई सभाएं चायबासा समेत कई इलाकों में है, तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की काट के तौर पर राहुल गांधी की सभाएं कराने की बात कही जा रही है 7 मई को। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री ने जो हवा तैयार किया है भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में, उसको कितना भेद पाते हैं राहुल गांधी आकर। लेकिन इतना कह सकते हैं लोहरदगा के सीट की जो बात आपने की है, लोहरदगा में त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के बाद निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भाजपा के प्रत्याशी के चेहरे खिले हुए दिख रहे हैं, भाजपा समर्थकों में अलग उत्साह और उमंग दिख रहा है। तो इसका साफ जाहिर है कि जो आम मतदाता जो भ्रम की स्थिति में थे, दुविधा की स्थिति में थे, वो निश्चित तौर पर उनके मानव पटल पर प्रधानमंत्री ने अपनी छाप छोड़ी है। जी बिल्कुल अरविंद, आरक्षण का मुद्दा बार बार कांग्रेस उठा रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही है कि आरक्षण के मुद्दों को लेकर ही कांग्रेस जो है लोगों में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ है, आरक्षण को लेकर भी उन्होंने कई तोप दागे हैं विपक्ष पर, इसके बाद राहुल गांधी का दौरा है, असर कुछ दिखेगा? देखिए आरक्षण का जहां तक मुद्दा है, दोनों दलों के कहे जाके इंडिया गठबंधन के हो या इंडिया के पक्ष से आरक्षण को लेकर अपनी अपनी दलीलें दी जाती रही है। जहां इंडिया गठबंधन के नेता चाहे राहुल गांधी हो या अन्य नेता हो, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर 400 पार जो भाजपा ने नारा दिया है, एनडीए ने नारा दिया है, वो आता है तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, तो वो इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। हालांकि भाजपा के जो लीडर है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अन्य नेता हो, वो साफ कह रहे हैं कि आरक्षण किसी कीमत पर खराब खत्म नहीं होगी, जो आरक्षण है उसे और अरविंद, एक बात तो तय है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर कोई भी पार्टी हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, कोई भी हाथ देना नहीं चाहती है, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर हाथ देने का मतलब है कहीं ना कहीं उनके वोटों में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए बीजेपी भी अपना सेफ जोन देख रही है और इसी तरह से कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। अब लेकिन सवाल यह उठता है कि आरक्षण के मुद्दे जो बार बार उठाए जा रहे हैं, जनता इससे कितना प्रभावित होती है और कांग्रेस इससे कितना वोट बटोरने में कामयाब हो पाती है? देखिए प्रिया, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन की ओर से चाहे राहुल गांधी हो या बड़े लीडर हो, उन्होंने आरक्षण को मुद्दा बनाया था कि अगर एनडीए की सरकार बनी, मोदी की सरकार बनी, तो 400 पार अगर आया तो वो आरक्षण को समाप्त कर देगा। लेकिन उसके काट में अब ऐसा खेल खेला है मैनिफेस्टो को दिखाकर
भाजपा और एनडीए गठबंधन के नेता कि जो ओबीसी एससी एसटी का जो आरक्षण है जो लागू है उसे किस तरह से खत्म करके और ये एक तबके को खुश करने के लिए यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए ये आरक्षण का कोटा देना चाहती है। तो जो आरक्षण की बात कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को घेरने की तैयारी इंडिया गठबंधन के नेता कर रहे थे वे दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि आरक्षण जो चाहे जब कांग्रेस की सरकारें हैं जिन जिन राज्यों में वो जैसे बात की जाए कर्नाटक की ही, जहां प्रयास किया गया कि पहले कुछ जातियां थी मुसलमानों की जिसको आरक्षण के ओबीसी की सूची में रखा जाता था, लेकिन वहां सभी मुसलमानों को जो ओबीसी की श्रेणी में लाया गया इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। और साफ कहा जा रहा है प्रधानमंत्री समेत एनडीए के नेताओं के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ओबीसी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर दोनों जो दल है दोनों जो गठबंधन है वे अपने अपने तरीके से मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं। एक ओर जहां राहुल गांधी समेत अन्य एनडीए इंडिया गठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त करना चाहती है भाजपा, वही भाजपा का और एनडीए गठबंधन के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो ये तमाम अपने दावे, लेकिन आरक्षण बड़ा मुद्दा बना हुआ है 2024 लोकसभा चुनाव में। अब देखना है कि मतदाता किनकी बातों पर विश्वास करते हैं और किनके पक्ष में अपने मतदान करते हैं, और यह तभी पता चलेगा जब 4 दिनों की गिनती होगी। जी प्रिया, बिल्कुल अरविंद, जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद डेट आगे बढ़ते चले गई, पहले चरण का चुनाव, दूसरे चरण का चुनाव, और इस दरमियान हमने कई सारे मुद्दों को उठते देखा है, चाहे वो 400 पार का नारा हो, चाहे संविधान का नारा हो, चाहे मंगलसूत्र पर बात हुई हो, आरक्षण की बात हुई हो, या मुसलमान का मुद्दा उठा हो, ये तमाम जैसे जैसे जो है चरण आगे बढ़ते जा रहा है तमाम मुद्दे जो है हर एक पार्टियां भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन एक बात समझनी होगी झारखंड के लिए खासतौर पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो है लेकिन इसके बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव है, और ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव के दरमियान जो वोटों का सिलसिला होगा, जिस तरह से जनता वोट करेगी, इसका असर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पक्ष में लोगों को वोट करने के आकर्षित कर रहे हैं, साथ ही उनका मुद्दा जो है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव भी है। देखिए प्रिया, सभी दलों की यह ताकत है, क्योंकि झारखंड में नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है, तो निश्चित तौर पर सभी की तैयारी जो है वो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा को देखकर भी है। अब ये देखना होगा कि लोकसभा के का असर विधानसभा के चुनाव में कितना पड़ता दिखाई देगा, क्योंकि लोकसभा राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी हावी होते हैं लोकसभा के चुनाव में, लेकिन विधानसभा का चुनाव पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर आधारित होता है और स्थानीय नेताओं की छवि, उसके क्रियाकलाप, ये तमाम चीजों को देखी जाती है। सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या किया, उससे पहले की सरकारों ने क्या किया, ये तमाम मुद्दे होते हैं विधानसभा चुनाव में। लेकिन इतना तो तय है कि लोकसभा में जब माहौल बनता है तो उसका कहीं ना कहीं असर विधानसभा में देखने को मिलता है। तो ये तमाम पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, ये तमाम लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की तैयारी में भी जुटी है। यही कारण है कि कोई भी कोर कसर कोई भी नेता बाकी रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा के साथ साथ आने वाला समय विधानसभा है। अब दावे प्रतिदावे की बात की जाए प्रिया, तो जहां एनडीए गठबंधन के लोग सभी 14 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत जो इंडिया गठबंधन के नेता है उनका कहना है कि इस बार झारखंड से एनडीए का सफाया होगा। अब ये अपने अपने दावे प्रतिदावे हैं, लेकिन जनता जो है आम मतदाता है। सबसे बड़ी बात प्रिया मैं बता दूं कि दोनों दल दावे भले कर ले, जो भीषण गर्मी है इसमें मतदाताओं को बूथ तक लाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल, जो भी प्रत्याशी या पार्टी मतदाताओं को बूथ तक लाने में सफल होंगे और उनको आकर्षित करने में सफल होंगे, निश्चित तौर पर विजयी का डंका उसी पार्टियों के उसी प्रत्याशियों की बजेगी। अब ये प्रचार प्रसार के साथ साथ मतदाताओं को बूथ तक लाने की जिम्मेवारी जो सबसे बेहतर तरीके से निभा पाएगी, निश्चित तौर पर विजय पताका लहराएगा। लेकिन इतना तो तय है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा भी साधने की तैयारी है। मैं बता दूं प्रिया की विधान लोकसभा में आज सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, गिरिडीह लोकसभा पर, लेकिन उसकी तैयारी देखें तो विधानसभा स्तरीय लोकसभा स्तरीय जो कार्यक्रम है पूरे झारखंड में चलाया जा रहा है। सुदेश महतो के नेतृत्व में जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, भले ही एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में ही हो लेकिन उनकी भी अपनी तैयारी है। पिछली बार दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़े थे जिसका खामियाजा आजसू और भाजपा दोनों को भुगतना पड़ा था, तो पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए
इस पर आजसू और भाजपा पूरी तरह से एकजुट होकर लोकसभा में और विधानसभा में शक्ति झोंकना चाहती है। यही कारण है कि देख रहे होंगे कि गिरिडीह के साथ साथ आजसू ने पूरे झारखंड में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल अरविंद आपने सही कहा कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और ये काफी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपका। तो फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। झारखंड में पहले चरण का चुनाव होने वाला है और इस दरमियान तैयारियां भी उसी स्तर पर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो दिवसीय दौरा है और इस दौरान जनसभा को संबोधित किया गया जहां आरक्षण का मुद्दा उठाया गया। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है उन पर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है। आदिवासियों को अपने पक्ष में करने की कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। मंच से ऐलान किया है कि बिरसा मुंडा की धरती में मैं आया हूं और इसके साथ ही 150वीं उनकी जयंती पूरे देश भर में मनाई जाएगी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक क्या था यह आज हमें झारखंड की धरती पे देखने को मिला। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया। नमस्कार।